सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड के जदयू अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर के जीरादेई प्रखंड व अंचल कर्मी धरना पर बैठे। जीरादेई प्रखंड व अंचल मुख्यालय पर शनिवार को प्रखंड व अंचल कर्मी जदयू अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर दृश्य धरना दिया। कर्मियों का मांग था कि प्रखंड जदयू अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर ने प्रखंड कर्मी के साथ मारपीट किए हैं तथा सरकारी कागजात को फाड़ दिया है। कर्मियों का कहना था आए दिन घटना घटती है, ऐसे में कार्यालय का कार्य कैसे होगा। सभी कर्मी कल्ला बिल्ला लगा करके धरना पर बैठे थे। पीड़ित कर्मी विकास कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हम कर्मी काफी भयभीत हैं, इसलिए हम लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जदयू अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। सीमान से निशांत पांडे की रिपोर्ट। दोपहर में कार्यालय मेरे साथ प्रखंड जदयू अध्यक्ष श्री राजकुमार ठाकुर के द्वारा मेरे साथ मारपीट किया गया, सरकारी कागजात फाड़ दिया गया एवं टेबुल पर का शीशा तोड़ दिया गया और बैठे हैं। जब तक श्री राजकुमार ठाकुर का गिरफ्तारी नहीं हो जाता है तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। जी जिलाधिकारी महोदय को भी जानकारी दे दिया गया है और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भी जानकारी दे दिया गया है, अपने वरीय पदाधिकारी को भी जानकारी दे करके उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जब तक राजकुमार ठाकुर की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन पर ही रहेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम विकास कुमार श्रीवास्तव हुआ, प्रखंड कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। जीरादेई प्रखंड में लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ।